हिंदुस्तान में एकमात्र आदमी हूं जिसने अपने ट्विटर अकाउंट का नाम रखा है बेईमान अवध। 1,50,00,000,000 लोग इस देश में रहते हैं, किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया है, तो इस नाम से ट्विटर अकाउंट बना लिया क्योंकि बेईमानी मुझको पसंद बहुत है, लेकिन ईमानदारी से करता हूँ। और मैं मोटिवेशन पर नहीं जीता, मैं शक्ति पर जीने वाला इंसान हूँ, ध्यान करने वाला, साधना करने वाला, योग करने वाला। 24 वाला सोच रहे लड़ जाए। इस जीवन का एक बड़ा प्यारा नियम है जो तुमको सीखना पड़ेगा और जो तुमने शायद आज तक नहीं सीखा, और अगर सीखा है तो बड़ी अच्छी बात। से कुछ लोगों को कोई चीज बता दो ना तो वो उसी दिन सोते आज ही कट डालें, और उनको बता दो कि दंड बैठक मारना चाहिए, शरीर बलवान होता है, तो पता लगा एक ही दिन मार के 500 उठ ही नहीं पा रहे हैं। इस जीवन का एक बड़ा प्यारा नियम है जो तुमको सीखना पड़ेगा। इस जीवन का एक बहुत ही प्यारा नियम है जो तुमको सीखना पड़ेगा और जो तुमने शायद आज तक नहीं सीखा, और अगर सीखा है तो बड़ी अच्छी बात। हमारे एक दोस्त हैं, हमसे कल कह रहे थे यार तुम्हारे साथ हम भी सेमिनार करने चलेंगे। अब उनको मोटिवेशन का वो पड़ गया है, लत हो गई। पढ़ने लिखने वाले आदमी थे, हमारे क्लास में पढ़ते थे और शानदार पढ़ने में थे। अब उनको लगता है कि यार अवध ओझा मोटिवेशन करते हैं, हम काहे नहीं कर सकते। 20 साल की मेहनत है, पढ़ाई, मेहनत, होमवर्क, काम, कोई चीज एक दिन में थोड़ी पैदा होती है। हमसे कहा हम तुमसे अच्छा मोटिवेशन दे सकते हैं, हमको कोई लेगा नहीं, क्योंकि तुम गलत जगह पे गलत चीज देके चले आओगे। किस जगह पर क्या बोलना है ये अनुभव की बात है। बोलना तो सबको आता है, उस अनुभव को पैदा करने में टाइम लगता है, पढ़ने में टाइम नहीं लगता। क्योंकि मुझे पता था कि फिर बहुत बैठ के पढ़ना पड़ेगा। एक बार आईएएस के लिए पढ़े ही, अब जब समय आया खुराफात करने का, चुनाव मतलब खुराफात, चौबीस वाला सोच रहे लड़ जाएं, लड़ो चाहे ना लड़ो माहौल तो बनता रहे, दो चार लोगों की नींद तो गायब हो, लाइव चल रहा है। माहौल बनाए रहा करो हमेशा, चाहे तुम्हें कोई कुछ भी कहे, झूठ बोलता है ना, बोलते हैं। हिंदुस्तान में एकमात्र आदमी हूं जिसने अपने ट्विटर अकाउंट का नाम रखा है बेईमान अवध। 1,50,00,000,000 लोग इस देश में रहते हैं, किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया है, तो इस नाम से ट्विटर अकाउंट बना ले, क्योंकि बेईमानी मुझको पसंद बहुत है, लेकिन ईमानदारी से करता हूं, ये वसूल है मेरा। बेईमानी में बेईमानी नहीं करूंगा, तुमसे प्रेम करके तुमको धोखा नहीं दूंगा, तुमसे कहूंगा कि बेटा तुमको एक दिन धोखा देंगे। और रिश्ते बनाते नहीं मैं किसी से, उसमें विश्वास ही नहीं रखता। तुम पैसा रखे हो तो ठीक है, रिश्ता है, तुम्हारे पास पद है तो रिश्ता है, नहीं है तो भागो यहां से। क्योंकि जब मेरे पास नहीं था
तो मेरा कोई रिश्ता नहीं था किसी से, कोई मुझे नहीं पूछ रहा था। बहुत व्यवहारिक जिंदगी जिया करो, ड्रामेबाजी कोई कोई नहीं पूछता तुमको, फर्जी में तुम परेशान रहते हो। मामा के लड़के के साथ में नहीं जाएंगे, मामा नाराज है, कोई तुमको पूछेगा नहीं, तुम फालतू में परेशान रहते हो कि बड़ी बुआ बेटी की शादी है, वो समाज है, कुछ समाज वमाज नहीं है। तुम्हारे घर में कोई बीमार पड़ जाए और कोई तुम्हारे घर में नहीं है कायदे का पद वाला आदमी, तुम्हारे घर कोई तुम्हारे बीमार आदमी को देखने नहीं आएगा, देखने जाए कहीं पैसा ना मांग ले, हैं? तो तुम क्यों फालतू का लोड लेते हो? चुनाव उनाव लड़ने की बात करते हैं तो हमारे रिश्तेदार भी बड़े खुश होते हैं, सोचते हैं लड़ेगा जितना पैसा ऐसा कमाए सब लुटा देगा, अपने पैसे थोड़ी लड़ेंगे। जो पैसा कमा रहे हैं इसमें जाके खाना खिलाएंगे किसी को? अपने पैसे से मैं खुद तो खाना खाता नहीं, किसी को पार्टी वार्टी नहीं देता, आज तक नहीं दिया, अभी जिसको दे दिया वो समझ लो बड़ा भाग्यशाली रहा होगा जीवन में। एक रुपया किसी को नहीं दे सकते। तो कुछ लोग आके हमको चढ़ाते रहते हैं कि लड़ जा, जीत जा बा तू, अरे तुम्हें लोग माना था भाई जीत जाबा, एमपी हो जाबा, तो उसकी आंखों में वो जो कमीनापन है वो दिखाई पड़ता रहता है कि जो पैसा कमाए वो लुटवा देंगे। अरे तू तो ऑस्ट्रेलिया से लड़ जा तो जीत जाबा, वैसे मैं कहता हूं 5 लाख रुपया चंदा दे दो, मुझे जो भी सलाह देता उससे मैं पैसा मांग लेता हूं। अरे भैया निकाल के जूता, इतना जूता मारेंगे, फर्जी सलामत देना, अगर पैसा देने की औकात रखते हो तब सलाह दो, फालतू की सलाह नहीं, क्योंकि अगर शुभचिंतक हो मेरे तो पैसा तो दोगे ही। ये चीज मैंने अपने पिता से सीखी, हमारी बहन पढ़ रही थी तो घर वहां पे लोग आए तो कहे कि अरे 25 साल उम्र हो गई, ब्याह करा यार, तुम्हारे पापा कहे 50,000 रुपया दो, ये क्या झूठे शुभचिंतक आके बनते हो मेरे घर पे, लाओ 4 लोग 50,000 रुपया दे दो, 2 लाख हो जाए कर दे शादी, पैसा नहीं है तभी तो नहीं कर पा रहे हैं। कौन नहीं चाहता कि उसकी बेटी की जल्दी शादी हो जाए, अच्छी शादी हो जाए, सब चाहते हैं, उसकी अपनी मजबूरी होती है ना। इसे जैसे तुमको कोई सलाह दे कि दिल्ली चले आओ, पैसा मांग लो तुरंत। अगर बहुत सारी सलाहों को अपने जीवन में रोकना चाहते हो तो सबसे बड़ा सूत्र यही है, पैसा मांग लो। और मैं मोटिवेशन पर नहीं जीता, मैं शक्ति पर जीने वाला इंसान हूं, ध्यान करने वाला, साधना करने वाला, योग करने वाला। मन कैसे मुझे राय दे देगा तुम्हारा नहीं होगा, ईंटा लेकर कूच देंगे इसे। जैसे तुमको डर लगता है इसे इसको मन को भी डर लगता है, तुम अपने मन को डरा ही नहीं पाए आज तक। बिना न मानत जड़त जल गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब होए भय बिन होए न प्रीत। किसी को भी प्रेम करवाना उसको डराओ, इसको तुम डराते ही नहीं। तुम सुबह 4 बजे उठना चाहते हो, उठना ही नहीं दे रहा है। एक दिन यहां से आगरा तक पैदल चले आओ, भाई तुम सुनते नहीं हो हमारी, देखो कैसे गिड़गड़ाएगा। खाना मत दो इसको, खाना ये नहीं, पेट को खाना क्या पता, खाना कौन मांगता है, ये कौन कहता थोड़ा आराम कर ले, ये कौन कहता खैनी बना लो थोड़ा मोमेंटम बन जाएगा, ये सब पेट थोड़ी कहता है, ये सब तो मन कहता है। यही तो तुम कहते हो कि मन कर रहा है चाय पी ले, मन कर रहा है थोड़ा एक राउंड हो जाए, मन कहता है आज अंडा करी बने, कभी तुमने कहा पेट कह रहा है? तो जब सब कुछ तुमसे मन कह रहा है, विवेक पैदा करो, यही तो है विवेक। स्वामी विवेकानंद से एक आदमी ने पेरिस में कहा गुरुजी, बोले हाँ, बोले गुरुजी तुम बोलते बहुत हो, भगवान पे बोलते हो, गीता पे बोलते हो, धर्म पे बोलते हो, पर हम जो विषय देंगे शून्य पे बोलते हो, पर हम जो विषय देंगे नहीं बोल पाओगे। विवेकानंद कहा तो हाँ जूते पे बोलो, किस पे कहा जूते पे बोलो, जूते पे
क्या नाम है तुम्हारा? अरे तो तुम्हारा ही पूछेंगे, इनका थोड़े पूछेंगे। आशुतोष मतलब शंकर, खड़ा हो जाओ, जूते पे चार लाइन बोलो। पहना तो हो? देखो अभी कह रहे सिलेबस में नहीं है। कह रहे सिलेबस में नहीं, ये तो पढ़ाया नहीं गया कभी। तो स्वामी जी ने कहा कि जूता पट बैठो, ये तुम लोगों पे व्यंग कर रहा हूं सीखने के लिए। जो आदमी तुमको चढ़ाएगा ना, अगर तुम दलित हो, तुमको कोई दलित कहे तो बुरा मत माना करो, आग पैदा होती है। जब तुमको कोई गाली देगा ना, तभी उसको कर दिखाने की क्षमता पैदा होगी तुम्हारे अंदर। लेकिन इस देश के सवर्णों ने बड़ी अच्छी राजनीति खेली। बोलो क्या? बोले SC ST एक्ट बनवा दो। बोले इससे क्या होगा? बोले कोई दलित को दलित नहीं कहेगा। बोले फिर बोलिए तारीफ सुनने के आदि हो जाएंगे, इनकी आग ही खत्म हो जाएगी अंबेडकर बनने की। क्या बात है! होगी कि नहीं होगी? बुरा मत माना करो किसी बात का, आग पैदा किया करो। स्वामी जी ने कहा कि देखो भैया, जब जूता नया नया होता है तो काटता है। अच्छा, बोले तो जूता काटता है। बोले एक साल पुराना हो जाए तो उसमें से आवाज आने लगती चू चू करके। तो बोले जूता बोलता भी है। बोले जो लोग जन व्यवहार की भाषा नहीं समझ पाते, उनको जूता मारना पड़ता है। उनको कहा जाता है कि ये जूते के यार हैं, जूता दोस्त भी है। बोले जिसको मिर्गी आ जाती है उसको सुंघाया जाता है, जूता औषधि भी है। जो फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल मारता है उसको गोल्डन बूट दिया जाता है, जूता सम्मान भी है। तो देखता रहा इसे स्वामी जी को। अरे बोले और सुनो, बोले पश्चिम सिनेमा में जब कोई अच्छी सिनेमा बोलता बनाता है तो उसको गोल्डन बूट अवार्ड दिया जाता है, जूता अवार्ड भी है। और बोले जूता राजा भी है। कहा कैसे? कहा जब रामचंद्र जी जंगल गए तो भगवान भरत उनका खड़ाऊ सिंहासन पर रखकर राज किए, तो जूता महाराज भी। बोले जाओ वे इंडिया से आए हैं, हम ध्यान करते हैं, ध्यान। ये जो तुम पश्चिम में पढ़ते हो ना, हम पढ़ने पे ज्यादा भरोसा नहीं रखते, हम ध्यान करते हैं, अपनी अंतर्दृष्टि का विकास करते हैं। रिक्शे वाला भंडारा करा सकता है? देखो रिक्शे वाला भंडारा करा सकता है? पैसा पैसा पैसा, अरे एक मुट्ठी आटा जमीन पे डाल देगा, चींटियां खा लेंगी, हो गया भंडारा। भंडारा खिलाना ही तो है, एक मुट्ठी चावल छत पे फेंक देगा, चिड़िया खा लेंगी, हो गया भंडारा। 10 रोटी निकाल के 5 गाय को खिला देगा, 5 कुत्ते को खिला देगा, हो गया भंडारा। इन दुष्ट इंसान को खिलाने से क्या फायदा? खाएगा भी भंडारे का, गाली भी देगा, नमक साले ज्यादा डाल दे। तो शिक्षा रुचि तुम में क्यों नहीं पैदा कर पाती? क्योंकि शिक्षा तुम्हारे विवेक को टच नहीं करती, तुम्हें सोचना नहीं सिखाती, तुम फेल हो गए, तुम सब फेल हो गए, तुम सब फेल हो गए। एक मुट्ठी चावल रिक्शावाला नहीं अफोर्ड कर सकता है? नहीं नहीं तो एक मुट्ठी है ना। भंडारा मतलब क्या? खिलाना। ये कोई जरूरी थोड़े इंसान को खिलाना।
तो शिक्षा क्या है, तुम्हारे विवेक को टच नहीं कर पाती, इसलिए तुम्हारे अंदर तुम मजबूरी में पढ़ते हो। आंख बंद करते हो तो सोचते हो यार गर्लफ्रेंड भाग गई, तब पढ़ते हो। तुम आंख बंद करते हो, देखते हो कि पिताजी चाल लाठी मार दिए, तब पढ़ते हो। तुम आंख बंद करते हो तो सोचते हो कि यार पढ़ेंगे नहीं, भीख मांगे, नौकरी नहीं लगेगी, तब पढ़ते हो। तुम डर के मारे कर रहे हो, और डर में कभी तुम जीतोगे नहीं। पता नहीं किसने कहा डर के आगे जीत है, डर के आगे डिप्रेशन है, उत्साह के आगे जीत है, डर के आगे जीत नहीं है। डर के आगे जीत कैसे हो सकती है? जब गब्बर सिंह कह गया जो डर गया सो मर गया, तो डर के आगे जीत कैसे हो सकती है? उत्साह के आगे जीत है। उत्साह, जब उत्साह पैदा होगा तो जीत पैदा होगी। राणा प्रताप डरे थे, उत्साहित थे। कृष्ण डरा हुआ, अर्जुन डरे थे, कृष्ण ने उत्साह पैदा किया। कृष्ण ने यह थोड़ी कहा ये ले स्प्राइट पी ले, डर के आगे जीत है। ये विदेशी कंपनियां इस देश को मूर्ख बनाती हैं। देखो लिखती है डर के आगे जीत है, कहां है दिखाओ जरा हमें। और किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने विरोध, इस 1 अरब 50 करोड़ के देश में स्प्राइट पे मुकदमा कर दो, तुम लोग को पैसा देगा वो। किसा उल्टा सीधा स्लोगन बनाते हैं, डर के आगे जीत है, डर के आगे डिप्रेशन है, उत्साह के आगे जीत है।